मुरादाबाद के जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में पिछले 23 दिन से भर्ती मुरादाबाद की एकमात्र कोरोना पॉजिटिव छात्र को आज पूर्ण स्वस्थ होने के बाद फूलों के बुके देकर अस्पताल की सीएमएस सहित पूरे स्टाफ ने विदाई दी है। कोविड-19 पॉजिटिव से नेगेटिव हुई छात्रा भी खुश नजर आई। अस्पताल की सीएमएस ने भी छात्रा की हिम्मत की तारीफ करते हुए छात्रा के परिवार का हिस्सा बताया है। वापस अपने घर पहुंची बेटी का मां ने भी आरती उतारकर स्वागत किया। मुरादाबाद जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में 19 मार्च से भर्ती फ्रांस से मुरादाबाद आई छात्रा मारिशा जांच रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। मारिशा का डॉक्टरों की देखरेख में लगातार इलाज चल रहा था। इलाज के कुछ दिन बाद फिर से जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, लेकिन छात्रा हिम्मत बनाए रखी। इसी बीच छात्रा ने आइसोलेशन वार्ड से ही अपनी एक वीडियो भी जारी करते हुए खुद को ठीक बताते हुए अस्पताल के स्टाफ की तारीफ भी की थी। मुरादाबाद के जिला अस्पताल में भर्ती मारिशा की आज 23वें दिन फिर रिपोर्ट नेगेटिव आने के साथ ही उसे डिस्चार्ज कर दिया गया है। डिस्चार्ज के समय अस्पताल की सीएमएस सहित अस्पताल का पूरा स्टाफ छात्रा को विदाई देने आया। छात्रा को फूल भेंट किए गए तो स्टाफ ने तालियां बजाकर छात्रा का हौसला बढ़ाया। आइसोलेशन वार्ड से निकलकर खुशी खुशी बाहर आई छात्रा ने कहा कि घबराए नहीं, कोरोना ठीक हो सकता है, अस्पताल पहुंचकर जांच कराइए, इलाज करवाइए। छात्रा ने इसके बाद सभी को धन्यवाद दिया और एम्बुलेंस में बैठ गई। जिला अस्पताल की सीएमएस ने बताया कि मुरादाबाद की एकमात्र कोरोना संक्रमित छात्रा को आज विदाई दी जा रही है, क्योंकि अब वो बिल्कुल ठीक है, सभी रिपोर्ट उसकी नेगेटिव आई है। हमारे परिवार का हिस्सा रही छात्र ने बहुत हिम्मत से काम लिया है, अस्पताल के पूरे नियमों का पालन करते हुए अस्पताल के स्टाफ का पूरा सहयोग किया है। आज विदाई करते समय हमें बहुत खुशी हो रही है, सब कुछ समझा दिया गया है, घर पर भी 14 दिन तक आइसोलेशन में रहना है, प्रॉपर दवाइयां खानी है। मुरादाबाद के अस्पताल से ठीक होकर अपने घर पहुंची बेटी की मां ने सोशल डिस्टेंस बनाते हुए आरती उतारकर उसका स्वागत किया। मां ने कहा, बेटी जानलेवा बीमारी से ठीक होकर वापस आई है, बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है। देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन का शुक्रिया अदा करते हुए व्यवस्था की तारीफ की। सभी को इस बीमारी से एहतियात बरतने, पूर्ण आराम और इलाज करने की बात कही। मुरादाबाद से संवाददाता बाजिद अली की रिपोर्ट। नहीं नहीं, दूर से था जिसे आपने आज विदाई की है, क्या हिस्ट्री रही थी, वो कितना दिन रही थी? आज हमारा पूरा स्टाफ और हम बहुत खुश हैं, क्योंकि इस मरीज को हम लोगों ने, एक पॉजिटिव मरीज को यहाँ अपने संरक्षण में हमारे डॉक्टर्स ने, स्टाफ नर्सेस, पैरामेडिकल, फोर्थ क्लास सब ने बहुत ही जी जान से इसकी सेवा करी। और इसका एक सैंपल करीब 3 दिन पहले पॉजिटिव आया और नेगेटिव आया, पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ और दूसरा हमें आज मिला है। तो आज इसको हमने सब डिस्चार्ज स्लिप और सारी दवाएं जो इसे आगे वो ताकत की इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए खानी है वो सब देते हुए इसको विदा किया है। और मरीज का जो उद्गार थे वो तो आपने भी सुने ही, हम सबके परिवार की तरह ही मरीज हो गई थी और बहुत अच्छे से हमारे सब लोगों ने केयर करी, मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ। मैम, इनकी क्या डाइट रही थी और किस तरीके की दवा इनको दी गई ताकि इम्यूनिटी पावर इनकी कमजोर ना हो? इनको जिंक दिया गया, विटामिन सी दिया गया, बी कॉम्प्लेक्स दिया गया। इसके अलावा जो हमारा पूरा प्रोटोकॉल है दवाओं का, 3 तरह की दवाएं वो हमने दी इनको। और खाने में डेली इनको 2 संतरे, 2 केले फ्रूट्स में दिए गए। उसके अलावा दूध दिया गया और सुबह शाम 2 टाइम भरपूर खाना दिया गया। और इसके अलावा हमारे डॉक्टर्स ने थोड़ा बहुत इनको एक्सरसाइज भी बताई लंग की, थोड़ा इससे कि इनकी लंग्स हेल्दी रहें। तो कुल मिलाकर हमारे लोगों ने भी बहुत मेहनत करी और पेशेंट भी बहुत कोऑपरेटिव था, उसने भी बहुत अच्छे से जो जो हमने कहा सबको बहुत अच्छे से सुना। क्योंकि इतने लंबे समय तक एक कमरे में 23 दिन रहना आइसोलेशन में आसान नहीं है, पर कभी भी हमारे मरीज ने कोई ऐसा गुप्ताहट का या ऐसा कोई चिन्ह नहीं दिखाया। तो ये मरीज का कोऑपरेशन भी बहुत रहा और हमारे पूरे स्टाफ का भी बहुत मेहनत रही इसमें, और हम सब बहुत आज खुश हैं
कि मरीज पॉजिटिव से नेगेटिव होके और स्वस्थ हालत में यहाँ से विदा हो। मैम, ये आइसोलेट से अभी घर जा रही हैं, मौसम भी पहली बार काफी दिनों बाद इस मौसम में आई है, कुछ हो सकता है इनकी हेल्थ में प्रॉब्लम आ जाए, खांसी जुकाम बुखार, सब कुछ एडवाइस कर दिया गया है। 14 दिन अभी घर में भी ये आइसोलेशन में होम क्वारंटाइन में रहेंगी और दवाएं भी दे दी गई हैं, खाने के बारे में भी बताया है, सब बता दिया। अगर खांसी जुकाम बुखार अगर दोबारा आता तो दोबारा सैंपल लिया जाएगा क्या इनका, या कुछ इस तरीके की एहतियात बरती है? आज आपकी बेटी हॉस्पिटल से कोरोना जैसी बीमारी से, घातक बीमारी से लड़कर घर वापस आई है, किस तरीके का माहौल बना हुआ, कितनी खुशी आपको हो रही है, क्या कहना चाहेंगी? खुशी तो अपार है और बयान नहीं कर सकती मैं, क्योंकि वो एक जानलेवा बीमारी जो हो सकती है उससे जूझ के वापस आई है, और इसके लिए मैं अपने प्रधानमंत्री मोदी जी का, योगी जी का और ज़िला प्रशासन मुरादाबाद का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जिस तरह की उन लोगों ने व्यवस्था बना रखी है, क्योंकि जब हम खुद क्वारंटीन में हैं, मैं उनके पास जा नहीं सकती, मिलने नहीं जा सकती, सिर्फ फ़ोन पर बात कर सकती हैं, हमारे एब्सेंस में जो सुविधा और जिस तरह से केयर हुई है उसके लिए आई एम रियली रियली वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ दैट। क्या मैसेज देना चाहेंगी, जिस तरीके की घातक बीमारी चल रही है, आपकी बेटी झूंझ कर आई हुई है? मैसेज सबके लिए यही है कि स्टे होम, स्टे सेफ, और इससे लड़ने का और दूसरा कोई रास्ता नहीं है, और फॉलो ऑल द रूल्स, जो भी आपको गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन या उनकी जो भी गाइडलाइन आ रही है, आप फॉलो टू द टी, बिकॉज वी डिड दैट, हमने पूरा उसको टू द टी फॉलो किया, और उसकी वजह से आई थिंक मलेशिया की वजह से एक भी आदमी को संक्रमण नहीं हुआ है, एक भी आदमी, जितने भी लोग उसके कांटेक्ट में आए थे फ्रांस से आने के बाद अभी तक सब ही नेगेटिव हैं, कोई भी पॉजिटिव नहीं हुआ है। तो आई थिंक ये हम लोगों का सबका अवेयरनेस और जो हमने फॉलो किया गाइडलाइन जो प्रशासन की तरफ से हमको बताई गई थी, डॉक्टर्स की तरफ से बताई गई थी, तो ये उसी का नतीजा। अच्छा, आपकी बेटी घर पे आई है, उनसे बातचीत की है, किस तरीके, क्या लग रहा है, कैसी खुशी हो रही है? अभी तो वो बहुत खुश है सिर्फ घर आने की लिए, हॉस्पिटल में 18-20 दिन उन्होंने निकाले एक कमरे में, और तो शी इज़ वेरी हैप्पी, बहुत खुश है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.